बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? तो मेरा नाम है खुशम और मुझे दूसरों की गलतियां निकालने में बहुत मजा आता है। तो मैं एडवांस में आपसे माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपके प्यारे प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में कुछ गलत कह दिया हो, और ना ही मैं अपनी इमेज डाउन करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को एक बड़े ही पॉजिटिव वे में ले गए, ना ही किसी के बारे में बुरा कहे गए। तो कहते हैं ना, एक्सेस सो एवरीथिंग इज बैड। आज दरअसल हम मोटिवेशन के डिसएडवांटेजेस बताएंगे कि आपकी लाइफ में कितनी बुरी तरह इंपैक्ट कर रही है, आपकी लाइफ बिगाड़ सकती है मोटिवेशन। मोटिवेशन के केस में जब हम किसी डिसेबल पीपल की वीडियोस देखते हैं या किसी को सुनते हैं या पढ़ते हैं, देखो इस बंदे के हाथ पैर नहीं थे, इसने क्या कर दिखाया लाइफ में, हंड्रेड्स ऑफ इसमें अच्छी क्वालिटीज थी, तो ऐसे ऐसे करते करते हम बड़े सारे लोगों को देख लेते हैं, उनकी गुड क्वालिटीज देख लेते हैं बड़ी सारी, लेकिन हम उनमें से 10 भी नहीं इंप्लीमेंट कर पाते लाइफ में। तो कोशिश करो कि थोड़ी वैल्यूज देखो और थोड़ी बहुत वैल्यूज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जितने भी पास्ट में सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, बिल गेट्स ले लो, अंबानी ले लो, कोई भी ले लो, सक्सेस इन्होंने हासिल करी है बिना किसी मोटिवेशन के, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ नहीं हुआ करता था। ये मोटिवेशनल स्पीकर, उनके जो काम करने से रिवॉर्ड मिलता था ना, वही उनकी मोटिवेशन होती थी, और वही बहुत अप डाउन होती रहती थी बार बार। मोटिवेशन हमको रियलिटी से हटा देता है और इल्यूजन में फंसा देता है, जैसे कि चील की जैसी आंखें होनी चाहिए, बिल्ली की जैसे आप चलाक होनी चाहिए। ये क्या है, ये सबकी उन जानवरों की क्वालिटीज है ना कि हमारी। तो ये हमें रियलिटी से दूर करता है मोटिवेशन है, और इल्यूजन में फंसा देता है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो मोटिवेशन में कहते हैं हम बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है वहीं पे, और जब हम रियलिटी में जो काम करते हैं वो हमसे हो नहीं पाता, तो हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ आते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमें, हमारा सिर्फ बिलीफ बन जाता है कि हमको तो सब कुछ आता है, लेकिन रियलिटी में हमें कुछ भी नहीं आता। तो इससे क्या होता है, हमारा दिल टूट जाता है और हमें स्टेप लेने का मन नहीं करता। फिर वहीं पे दूसरे टाइप का मोटिवेशन आता है, नेवर गिव अप का। लाइफ में क्या होता है, नेवर गिव अप कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन हमें कभी कभार लाइफ में छोड़ना पड़ता है, नेवर गिव अप करना पड़ता है हमें कभी कभार। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब चैनल में पहुंचा, उसकी मैं हर एक वीडियो देख रहा था, वो एक साल से पा रहा था, एक साल से लगातार डेली वीडियोस डालता था, और उसकी हर एक वीडियो में 10-15, 2-4-5 इतने व्यूज आते थे, इससे ज़्यादा आते नहीं थे, मैक्सिमम 20 तक आ जाते थे। उसका मतलब क्या, गिव अप नहीं कर रहा, वो नेवर गिव अप का कॉन्सेप्ट ला रहा है वहाँ पे, ऐसा हो सकता है। जो उसका टाइटल था वीडियोस का, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था, जो कि आज के ज़माने में इतना नहीं चलता। तो आज के ज़माने में कुछ साइंस चलता है, फैक्ट्स की बातें, एंटरटेनमेंट चलता है, ये चलता है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए उसका ग्रो नहीं हो पा रहा। तो उसे कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा आप अपने आप को, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है बहुत डायनेमिक है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है इस इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसको क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को गिव अप करना चाहिए, इतनी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता आज के ज़माने में इन चीज़ों में। कभी कभार हमें लाइफ में छोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप UPSC नहीं क्रैक कर पा रहे तो आपको छोड़ना चाहिए, कुछ और फील्ड देखनी चाहिए। मोटिवेशन क्या एक मिथ है, बिल्कुल हमारी इमेजिनेशन के साथ खेलता है मोटिवेशन, रियलिटी नहीं है। बस जानवरों को हमसे कंपेयर कर जाता है इंसान, शेर जैसा बनो, ये करो, चीते जैसे भागो, ऑल आर इल्यूजन्स, नॉट रियलिटी। नेक्स्ट चीज क्या है, मोटिवेशन को सुन के हमें क्या लगता है कि हर चीज़ आसान है, इसकी वजह से क्या होता है, हम चैलेंजेस को मिस कर देते हैं और फिर हम मेन थिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या करते हैं, हमारे अंदर लेजीनेस ले आते हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क को ही मिस कर देते हो और आप मेन स्टेप्स को भी मिस कर देते हो जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो। और जब आपके पास बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन होता है ना, तो आप नेगेटिव साइड को देखना ही बंद कर देते हो। एक साइड की नेगेटिव साइड भी होती है, आपको लगता है 100% श्योर हो कि तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, आप सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हो, नेगेटिव साइड देखते नहीं हो, और आगे जाके फ्यूचर में आके दलदल में फंस जाते हो। आपको एडवांस में बहुत कुछ देखना पड़ता है एक चीज़ के बारे में, जो आप चीज़ करने जा रहे हो उसके नेगेटिव क्या और पॉजिटिव क्या, दोनों चीज़ देखने पड़ते हैं। लेकिन जब आप मोटिवेटेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन, तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हो, उसकी नेगेटिव साइड देखते नहीं हो, और इसकी वजह से आपके पास प्लान भी होता ही नहीं है। और फिर जब आपके साथ कुछ नेगेटिव हैपन होते हैं ना, तो आप वो लॉस को बियर नहीं कर पाते। तो मोटिवेशन की बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। मोटिवेशन जब आप संदीप महेश्वरी की वीडियो देखेगा ना, स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आ जाएगा, वो पढ़ना जरूर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, एक तरह का वार्निंग है। मैं भी आपको एक तरह की वार्निंग दे रहा हूँ कि मोटिवेशन ले रहे हो तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके। तो मैं समरी में यही चीज़ कहूँगा कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोग हैं जो बिना मोटिवेशन के भी सक्सेसफुल हुए हैं। मोटिवेशन को भी सर पे मत चढ़ाओ कि भाई मोटिवेशन से मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। जरूरी क्या है, नॉलेज और डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन कितना लाइफ में, मोटिवेशन एक ऐसी नॉलेज है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। चलो हम एक बात याद रखते हैं हमेशा के लिए, वो क्या है, इस जिंदगी में हर एक चीज करना पॉसिबल है। कब तक, जब तक आपके पास नॉलेज है, बिलीफ है, अंदर से विश्वास है और एक डिसिप्लिन है जिससे आप अपने डर को खत्म कर सको। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।